नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड से लेकर यहाँ पर काउंसलिंग के लिए फर्स्ट ग्रेड की प्रेस नोट आया है आज 24/8/2020 को। अभी थोड़ी देर पहले ये प्रेस नोट साइट के ऊपर RPSC की अपलोड किया गया है। ये कह रहे हैं कि अभी तक अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूचियाँ दिनांक 23/6/2020 से 20/8/2020 यानी कुल 14 विषयों तक जारी कर दी है और शेष विषयों की विचारित सूची जो है जारी करने की कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है। उक्त सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी और पात्रता जांच उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा, यानी मेन लिस्ट आएगी। प्रोविजनल लिस्ट अब अपलोड कर रहे हैं, इसके बाद मेन लिस्ट आएगी। आयोग द्वारा प्रथम चयन की काउंसलिंग 31/8 यानी इस महीने की लास्ट डेट को लेकर 15/9 यानी 15 सितंबर तक काउंसलिंग स्थल, इस काउंसलिंग स्थल पे की जाएगी। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान TT कॉलेज सोफिया कॉलेज के पास मीर शाह अली रोड जयपुर रोड अजमेर में आयोजित की जा रही है। ये स्थान है जहाँ आपकी काउंसलिंग होगी 31/8 से लेकर 15/9 तक। काउंसलिंग कार्यक्रम विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश काउंसलिंग पत्र एवं अन्य प्रपत्र आदि आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 25/8/2020 से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्रों की 2 प्रतियां मैं स्व प्रमाणित दस्तावेजों की 1 प्रति एवं मूल दस्तावेज के साथ निर्धारित अवधि में समय व्यक्तिश काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो। यानी कल साइट के ऊपर RPSC की साइट के ऊपर यहाँ पर पूरे का पूरा इनका जो विस्तृत आवेदन पत्र का जो कार्यक्रम है, साथ ही काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है, वो ये अपलोड कर देंगे और आपको स्व प्रमाणित करते हुए 2 प्रतियाँ आपने अपने दस्तावेज और मूल की लेके जानी है और आप खुद काउंसलिंग में उपस्थित भी होंगे। अभ्यर्थियों को विषयवार रोल नंबर वाइज निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउंसलिंग हेतु जारी कार्यक्रम काउंसलिंग स्थल पर समय उपस्थित होना होगा। ये आपके रोल नंबर है, टाइम है आपका, दिनांकवार समयवार विषयवार, इस दिनांक पे इन अभ्यर्थियों को जो रोल नंबर लिखे हुए हैं इनको ऊपर दिए हुए जो काउंसलिंग स्थल है उस पर पहुँचना है। देखिए, राजस्थानी सब्जेक्ट के 1,25,133 रोल नंबर से लेकर 3/25/880 तक 19 अभ्यर्थियों को 31 तारीख को जाना है। इसी प्रकार आप आगे देख पा रहे हैं, ये अलग अलग डेट पर हैं सभी का। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए। फर्स्ट ग्रेड के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के सभी यहाँ काउंसलिंग के लिए अलग अलग दिनांक पर पहुँचेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो सेकेंड ग्रेड के अभी काउंसलिंग चल रही है उन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उनकी जो डेट है वो इन डेट्स के साथ मिक्स हो रही है। जैसे कि हिंदी की अगर आपने देखें तो हिंदी के 3, 4 और 5 सितंबर को काउंसलिंग है सेकंड ग्रेड की, और वहीं इनकी भी यहाँ काउंसलिंग दे दी है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो दोनों जगह सिलेक्टेड हैं, तो उनको एक ही जगह काउंसलिंग पर वो उपस्थित हो पाएंगे। या तो 3 तारीख को इस जगह जाए अजमेर में, या उनका जो संभाग है वहाँ अपनी काउंसलिंग कराएँ ग्रेड सेकेंड की। तो अब आप आगे और देख लेते हैं। इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाइन पत्र नहीं दिया जाएगा। शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कार्यक्रम की सूचना आयोग द्वारा यथासमय जारी कर दी जाएगी। आयोग द्वारा आगामी काउंसलिंग संबंधी सूचना प्रेस नोट द्वारा जारी कर दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा अपलोड किए गए 2 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा निर्देश को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हुए, अन्यथा निर्धारित समय और दिनांक पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अंतिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी इस समय अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को
को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि आपको काउंसलिंग से, जो काउंसलिंग स्थल है उसमें निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा, और अगर कोई समय पर दिनांक पर उपस्थित नहीं होता तो उसे कोई एक्स्ट्रा जो चांस है वो नहीं दिया जाएगा, कोई अवसर दे नहीं होगा। साथ ही साथ जो है आपको काउंसलिंग में जो अनुपस्थित रहेंगे अभ्यर्थी उनको काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा, और परिणाम भी जो अंतिम परिणाम आएगा यानी मेन लिस्ट आएगी उसके अंदर भी वो विचारित योग्य नहीं होंगे। देखिए आज की वीडियो में इतना ही, और आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं जिन जिन अभ्यर्थियों का ये क्रॉसिंग आ रहा है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अंदर आपके जो काउंसलिंग है वो सेम डेट पर आ रही है, और साथ ही साथ कमेंट करें वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी जितनी भी काउंसलिंग है ये सभी सब्जेक्ट्स की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो चैनल पे अपलोड की हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके अपने सब्जेक्ट की काउंसलिंग और सारी डिटेल देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।